ये है मेसी फर्ग्यूसन ट्रैक्टर जो कि 50 HP में आता है और इसके साथ यह मशीन है। यह मशीन का पहला काम जो कि यह मिट्टी की खेती कर रही है। यह छोटी मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आपने यह मशीन ले ली थी। देख सकते हैं आप एक मशीन है और एक छोटी मशीन का काम करेगी, एक कटर का काम करेगी और एक टोकरी का काम करेगी। इस मशीन में 3 काम तो यह है और यह सभी फसल निकालेगी केवल मूंगफली और धान को छोड़कर, क्योंकि धान में बहुत ज़्यादा हवा चाहिए और इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि यह निकाले। और मूंगफली की तो आप बात छोड़ ही दीजिए। न्यू मल्टीक्रॉप थ्रेसर जो कि राजस्थान में बन रहे हैं और 35 क्विंटल का वेट इसके साथ मिलता है साथ में, और ये 6,50,000 रुपये की मशीन है जो कि बहुत ज़्यादा रेट है, परंतु काम भी इसका पैसे के साथ चले तो काम इसका बहुत ही ज़ोरदार है। न्यू मल्टीक्रॉप थ्रेसर है ये, जिसमें आप देख सकते हैं टोकरी, इसका ये एलिवेटर, और आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश माल, बहुत ही अच्छा एकदम पैकेट माल ये जो निकाल रही हैं। और देख सकते हैं आप कितनी क्वांटिटी के साथ जो आ रहे हैं इसमें, और ये देख सकते हैं टोकरी जो कि आपके सभी माल में काम आएगी। गीला माल पीछे से जाएगा जो कि कटर है, और देख सकते हैं आप कटर किस प्रकार ले रहा है। और महिलाओं के लिए सबसे शानदार मशीन है, महिला भी इसमें मशीन चला सकती है। और देख सकते हैं आप किस प्रकार कलर दिया जा रहा है, और ये जो आ रहे हैं बहुत ही तेज़ी के साथ। ये अपना ट्रैक्टर 9,500 ये देख सकते हैं आप, गेयर बॉक्स टोकरी के साथ भी इसमें गेयर बॉक्स आता है, और एक पीछे पट्टे में न्यू गेयर बॉक्स आता है। दोनों में मिला के 14 लीटर ऑयल चाहिए और 5 किलो ग्रीस चाहिए। यह खर्चा आपको एक्स्ट्रा लगेगा। अगर आप ये टोकरी नहीं लेते हो साथ में तो आपको 1,00,000 रुपये कम रेट में, यानी कि 5.5 लाख में यह मशीन आपको मिल जाएगी। चमका चमका मेरिया में चम चम करके चमका, लावा झंडू पामच नच दे पैजन थमका। और माल भी एकदम क्वालिटी से निकलेगा। और ये देख सकते हैं आप, इतने बड़े बड़े खेत में ये मशीन चल रही है और इसमें गेहूं निकाला जा रहा है। और देख सकते हैं यहाँ पे लेबर कम पड़ गई है तो मशीन को रोक दिया गया है और आगे का काम चालू है। और आप देख सकते हैं ये किसान बिना दाने नहीं, सिद्धू मूसे वाले जैसे गाने नहीं। ये देख सकते हैं आप, ग्रेडिंग भी इस मशीन में की जा सकती है। ये इसका चौथा काम हो गया। देख सकते हैं आप, ग्रेडिंग के लिए सबसे शानदार ये बाबूजी को देख लीजिए। अगर आपको ग्रेडिंग करनी है तो यह मशीन भी आप ले सकते हैं, क्योंकि आप ग्रेडिंग के लिए अलग लाओगे, किले माल के लिए अलग लाओगे, चने के लिए अलग लाओगे, टोकरी लाओगे, सबका मिला के एक कॉमन मशीन लेना चाहते हो तो यह मशीन ज़रूर ले आप। और आप ये देख सकते हैं सोयाबीन ख़राब हो गया है, गीला माल आ रहा है 80%, तो अभी मशीन को पता नहीं चल रहा है। बिना किसी ट्रैक्टर पे लोड यह मशीन शानदार तरीके से अपना काम कर रही है। गीला माल देख सकते हैं, गीला और दागी माल होगा, देख सकते हैं कितना गीला माल दिख रहा है। गीले माल में भी इस मशीन का एवरेज नहीं बिगड़ता है, ट्रैक्टर ज़्यादा तेल नहीं खाता है और ना ही किसी नुकसान के साथ। यह मशीन बहुत आसानी से काम करती है और यह ट्रैक्टर आप
42 एचपी से लेकर 50 एचपी तक किसी भी ट्रैक्टर पर चला सकते हैं बिना किसी लोड के। अगर आपको आपके छोटा ट्रैक्टर है 41 एचपी, 42 एचपी, 44 एचपी, तो यह मशीन आप ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि यह मशीन दिखने में बड़ी है, परंतु आप इसकी सेटिंग बहुत अच्छी तरीके से है, बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करती है। देख सकते हैं गीला माल निकालने के लिए इसमें स्पेशल फीचर्स दिए गए हैं, जो कि ये गीला माल इधर गिरता रहता है और अपना काम करता है। ये देख सकते हैं आप 80-90% गीला माल निकल रहा है, और देख सकते हैं आप इसमें इस तरीके से माल आ रहा है, आप हाथ से तोड़ोगे तो नहीं टूटेगा, इतना गीला माल और बिल्कुल फ्रेश माल निकाल रहे हैं। गीला माल देख सकते हैं, इतना गीला माल है, इतना मेरी बात मानो तो इतना गीला माल आपको नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि इसमें मशीन वाले का तो कोई नुकसान नहीं है, परंतु आपका सबसे ज़्यादा नुकसान देख सकते हैं मच्छी किस प्रकार मच्छी आ रही है। यह मशीन एक घंटे में 20-21 क्विंटल मच्छी एक घंटे में निकालती है, वो भी आपके मच्छी के बिल्कुल फ्रेश माल आ रहा है। ये मल्टीक्रॉप थ्रेशर जो कि उन्नाथ गाँव से एक भैया बना रहे हैं, ये देख सकते हैं आप टोकरी, ये अपना ट्रैक्टर, ये मशीन और ये महिलाओं के लिए तो सबसे शानदार, मेरे हिसाब से सबसे शानदार मशीन महिलाओं के लिए यही है। एक आदमी है बाकी सब महिलाएं हैं, जो महिलाएं सब महिलाएं चला रही है मशीन। आप देख सकते हैं यह भी गीली मिट्टी है, परंतु इतना अच्छे से ये काम कर रहे हैं गीली और सूखी आपको पता नहीं चलेगा। ट्रैक्टर पे बिना किसी लोड के चलेगा, और यह देख सकते हैं आप किस प्रकार मिट्टी आ रही है इधर। बिल्कुल फ्रेश क्वालिटी के साथ क्वालिटी वर्सेस क्वालिटी हो गई। न्यू मल्टीक्रॉप थ्रेशर का शानदार जलवा एक घंटे में 20 क्विंटल, आज तक का रिकॉर्ड है 20 क्विंटल सिर्फ मक्की निकालने वाली मशीन निकाल सकती है, इसके खड़ के साथ कोई मशीन नहीं निकाल सकती है। ये इसका सबसे बड़ा फीचर, और 80-90% गीला माल तो बिल्कुल आसानी से निकाल सकती है बिना किसी नुकसान के, बिना किसी लोड के, बिना किसी ताकत के, बिना किसी तेल खाए बहुत आसानी से निकाल सकती है। और आप देख सकते हैं इसके बाद बड़ा फोक, जो कि 4 फीट ऊपर आप इसको ट्राली में भी डाल सकते हैं डायरेक्ट। यह फीचर्स भी इस मशीन का बहुत ही जोरदार है, और देख सकते हैं आप पीछे पीछे की मशीन चल रही है, आगे की मशीन पूरी बंद है, देख सकते हैं। आपको अगर ट्राली में करना है तो आपके लिए सबसे बेस्ट मशीन यह भी रहेगी, छोटी मशीन के साथ बड़ी मशीन रहेगी, देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश क्वालिटी के साथ न्यू मल्टीक्रॉप थ्रेशर एकदम फ्रेश माल निकाल रहे हैं मशीन सरसों में से। सरसों किस प्रकार इसमें आ रही हैं, और 7-8 क्विंटल प्रति घंटा के हिसाब से मशीन निकाल सकती है सरसों को। सरसों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद, बहुत बेस्ट जोरदार मशीन है, और बहुत ही अच्छी इसकी बिल्ड क्वालिटी है। बिल्ड क्वालिटी के मामले इसमें कोई कंजूसी नहीं कही गई है, रेट इसमें 1 लाख ज़्यादा है, परंतु सबसे शानदार मशीन है,
और ये आ गए वापस गेहूँ। गेहूँ एकदम फ्रेश क्वालिटी, पैकेट माल कह सकते हो आप। गाँव भी ये एक घंटे में 15 क्विंटल गाँव निकाल सकती है। इसकी क्षमता के हिसाब से ये 15 क्विंटल गाँव निकाल रही हैं जहाँ तक मुझे पता है। एकदम फ्रेश क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी जोरदार।